हेलो स्टूडेंट, आज बच्चे हम क्वेश्चन करेंगे इंटीग्रल का। और क्वेश्चन दे रखा बेटा आपको ये, अब यहाँ पे आपको एल आर ऑफ एक्स मीन लॉग ऑफ लॉग ऑफ लॉग ऑफ कितने टाइम रिपीट करने के लिए वो रखा आपको आर टाइम, ठीक है। तब आपको क्या निकालनी है, इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा चलिए डेफिनेशन वो करते हैं, डेरिवेटिव। और इसकी डेरिवेटिव ऑफ किसका, एफ ऑफ एक्स किस बराबर होता है बेटा, जी ऑफ एक्स मान लीजिए किसके बराबर है। तो अब इसी चीज को इंटीग्रेशन में करना बेटा, इंटीग्रेट करना किसको, इसको जी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स की। अब आंसर क्या जाएगा आपका, एफ ऑफ एक्स प्लस कितना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब मुझे ये वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है बेटा। अब इसके लिए क्या ढूंढना, मैंने फंक्शन देखना। अब चलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, अगर मान लीजिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ कितना है, लॉग एक्स, तो अब इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, करिए डिफरेंशिएट, वन अपॉन कितना लॉग एक्स इनटू में कितना आएगा एक्स। अब इसका मतलब अगर आपका ये फंक्शन ये है तो यहां पे कितने लॉग है बेटा, टू, और यहां पे डेरिवेटिव में कितने लॉग है, वन। अब मैंने डेफिनेशन अप्लाई करनी है इसकी, तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन किसके बराबर ले लिया मैंने, जी ऑफ एक्स की। अब इसका मतलब इसको करो इंटीग्रेट, तो आंसर क्या आएगा, जिसको आपने डिफरेंशिएट किया था उसको, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने क्या करना, इसके लिए एक फंक्शन ढूंढना। अब फंक्शन क्या बोलता है कि डेरिवेटिव से एक लॉग ज्यादा, एक लॉग क्या हो जाएगा उसका ज्यादा। अब यहां पे कितने लॉग है आपके पास बेटा, यहां पे आपके पास टोटल लॉग है आर। अब इसके लिए कैसा फंक्शन होगा, जिसके पास कितने लॉग होंगे, एक ज्यादा। तो इसका मतलब आपके पास यहां पे अब लॉग कितने बन जाएंगे बेटा, आपके पास आर प्लस वन बन जाएंगे, ठीक है। अब मैंने पुट करना क्या, अब देखिए मेरे पास इस टाइप का फंक्शन आप ये दे रखा है। अब मैंने क्या करना, किसको पुट करना, इससे एक ज्यादा लॉग वाले को। तो चलिए पुट करता हूं बेटा मैं इसको, पुट एल आर प्लस वन ऑफ एक्स, एल आर की जगह कितने लॉग आएंगे, अब फंक्शन में कितने आएंगे, एक ज्यादा लॉग, ऑफ किसके बराबर बेटा, टी के। अच्छा, अगर एल आर आपका ये है तो एल आर प्लस वन क्या बन जाएगा बेटा, लॉग ऑफ लॉग ऑफ लॉग ऑफ सो ऑन लॉग ऑफ कितना एक्स, और यहां पे कितने लॉग आए, अब आर प्लस वन और इक्वल टू किसके बराबर, टी के, ठीक है बेटा। अब करिए इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के। अब इसको डिफरेंशिएट किए तो पहले आपके पास चेन रूल लग जाएगा, तो कितना आएगा, करते जाइए बेटा, आपके पास एंड में जाके ये लॉग एक्स आएगा, इस लॉग एक्स का रेट कितना जाएगा, और बाकी जो आपके बचे तो आपके पास कितना बन जाएगा, लॉग ऑफ लॉग ऑफ लॉग ऑफ कितना, लॉग एक्स। अब यहां पे कितने लॉग बचे बेटा आपके पास, क्योंकि एक लॉग आपका फंक्शन का यहां पे एज अ वन अपॉन एक्स यूज हो चुका है, आर प्लस वन थे तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, वन अपॉन एक्स, तो बाकी आपके पास कितने बचे, ये, और इक्वल टू किस बराबर, डी टी ओवर डी एक्स, ठीक है। अब हमारे इंटीग्रल में कौन सी वैल्यू थी, वन अपॉन एक्स, और लॉग थे आपके कितने, आर टाइम वन अपॉन कितना एक्स, और लॉग कितने, आर टाइम वेरिएबल अलग कर दीजिए, तो आपके पास बना बेटा डी एक्स अपॉन कितना एक्स। अब ये सारी वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, तो देयरफॉर आपका ये इंटीग्रल किसके बराबर आ गया बेटा, देयरफॉर कैपिटल आई इक्वल टू किसके बराबर बचाइए, सिर्फ डी टी के, क्योंकि सारी वैल्यू आपकी किसके बराबर आई, ये डी टी के बराबर। अब टी की वन की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी कितनी आ गई, टी प्लस कितना कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब बेटा क्या करिए, टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू थी कितनी, एल आर प्लस वन ऑफ एक्स प्लस कितना बेटा सी, तो ये रहा आपका रिक्वायर्ड आंसर, या फिर इसी को लॉग ऑफ लॉग ऑफ लॉग ऑफ कितना, लॉग एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये आर कितने टाइम है, आर प्लस वन टाइम। तो बेटा ये रहा आपका क्वेश्चन, तो नेक्स्ट कोई अगले कोई उसमें मिलेंगे, नेक्स्ट नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे बेटा। थैंक यू।